नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आप आई एस में। ये इसका पार्ट टू है जिसमें कि हम एमपीपीएससी की आंसर की पूरी डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं, उसका पूरा डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं। ये सीरीज़ जो है इसलिए हम चला रहे हैं ताकि आपको पूरे उत्तर जो है एमपीपीएससी से संबंधित जो भी हैं वो आपके जो है एकदम क्लियर हो जाएँ कि आप प्री क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सीरीज़ बेसिकली इसीलिए चला रहे हैं ताकि आपको पता लग जाए कि आप आगे बढ़ रहे हैं नहीं। तो जैसे ही आपको लगता है कि अगर आप एमपीपीएससी का प्री क्वालिफाई कर रहे हैं तो डेली मेंस आंसर राइटिंग हमारा इनिशिएटिव चल रहा है, आप इससे जुड़ जाइए। नंबर आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, इसको लेके आप डायरेक्ट हमसे जुड़ जाइए। प्रीलिम्स का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स हम लेके आ रहे हैं यूपीएससी 2020 के लिए, जल्दी से जुड़ जाइए। स्थापना सीरीज़ हमारी चल रही है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये जल्दी से जल्दी अगर ये देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों पहले प्रश्न पे आ जाते हैं, यानी कि तीसवा प्रश्न जो आखिरी बार हमने छोड़ा हुआ था उस तीसवें प्रश्न पे हम आ जाते हैं। आइए दोस्तों तीसवें प्रश्न पे, यानी कि 30th जो प्रश्न था उस पे आ जाते हैं। तो तीसवा प्रश्न जो था वो हम डिस्कस कर चुके थे, हमने 31वें प्रश्न से 60वें प्रश्न तक हम लोग डिस्कस करने वाले थे। तो दोस्तों प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पर कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाता है डॉक्टर साराभाई, देखिए विक्रम साराभाई, ए इसका आंसर हो जाता है। तो इसके अलावा आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन सी कोशिकाएं मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करती हैं। तो 32वें का जो आंसर हो जाता है दोस्तों वो हो जाता है डी, म्यूकोन सेम कोशिकाएं। इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो 33वां क्वेश्चन आ जाता है वैश्विक ताप में वृद्धि कौन कौन सी गैस का योगदान है। तो दोस्तों 33वें क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाता है वो हो जाता है बी, यानी कि क्लोरो फ्लोरो कार्बन सीएफसी, देखा होगा आपने, जो मेजरली जो होती है सीएफसी जो होती है उनका काम यही होता है, ये मेजर जीएचजी होती है यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए कि मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। तो 34वां प्रश्न का जो उत्तर है वो है दोस्तों ए, यानी कि हाइड्रोजन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 35वें प्रश्न पे हम लोग आ जाते हैं। 35वां प्रश्न ये है कि अफीम किस श्रेणी की दवा है और ये किसके अंतर्गत आती है। तो दोस्तों 35वां का जो उत्तर है वो है सी, यानी कि विभ्रांति कारक। तो 36वें प्रश्न पे हम आ जाते हैं 36वें प्रश्न का जो है वो ये है कि 1842 का बुंदेला विद्रोह के प्रमुख भागीदारी लेने वाले राजा हृदय शाह किस स्थान के जागीदार थे। तो दोस्तों 36 का आंसर आपका हो जाता है बी, तो वो देवरी के जागीदार थे। अब 37 पर आ जाइए, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई। तो दोस्तों 37 का उत्तर हो जाता है आपका सी, मॉन्टेग्यू चेल्सफोर्ड या फिर मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म भी इसे कहा जाता है। 38वें प्रश्न पे आ जाते हैं, 38वां प्रश्न ये है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्वक संघर्ष में बलिदान दिया। तो इसका आंसर हो जाता है हबीब अल्लाह खान। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं, 39th क्वेश्चन पे हम लोग करीब आ गए। 31वां क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो आइए आगे बढ़ते हैं। 200 इस प्रश्न में जो है पुस्तक और उसके लेखक का नाम जो है आपको बताना है, बेसिक क्वेश्चन है। और जो है अगर आपने थोड़ा सा भी अगर करंट अफेयर्स से आप अपडेटेड रहे होंगे या फिर आप जो है आप आईएएस की जो इनिशिएटिव चल रहा था जिसमें हम एमपीपीएससी का जो है वो डिस्कस कर रहे थे करंट पूरा, तो अगर वो भी आपने देखा होता तो ये क्वेश्चन आपके लिए देख आंसर करना बहुत ही आसान हो जाता। तो 39th का आंसर है सी, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती। 40 पे आ जाते हैं, 40 जो है रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है। तो डी, हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। 41 पे जाते हैं दोस्तों, 41 पे जाते हैं कैप्टन सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेत से है। तो 41 का उत्तर देख लीजिए दोस्तों, 41 का उत्तर जो है वो डी है, यानी कि हॉकी से। रूप सिंह, अब देखिए 41 भी हो गया,
आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इसकी स्थापना जो है 42 का जो उत्तर हो जाता है वो हो जाता है सी, यानी कि 2009 में हुई। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 43 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 43 का देखिए दोस्तों, एक सरल सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश से संबंधित खेल पुरस्कार कौन सा है? 43 का जो उत्तर हो जाता है वो हो जाता है बी, गंधर्व पुरस्कार। तो आगे बढ़ते हैं, 44 का उत्तर देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से 2018 में मध्य प्रदेश राज्य में विक्रम पुरस्कार सम्मानित खिलाड़ी कौन सा किया गया? तो 44 का जो है ए हो जाता है। 45 का देख लेते हैं दोस्तों। 45 में देखिए, मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों 45 का जो है वो हो जाता है ए, नौकायान से। तो 46 पे आ जाते हैं। 46 का जो उत्तर है वो ये हो जाता है डी, यानी कि कंप्यूटर वायरस का, कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब है वेरी इंटेलिजेंस रिसोर्स अंडर सर्च। तो दोस्तों 46 क्वेश्चन तक हम डिस्कस कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो सीरीज हम, मैं चाह रहा हूँ कि इसमें हम 70 से 80 प्रश्न जो है डिस्कस कर लें। तो दोस्तों 47th प्रश्न पे आ जाते हैं। 47th प्रश्न ये है कि जो अनधिकृत पहुँच प्राप्त करता है, महत्वपूर्ण डाटा को नष्ट करता है, वैध उपकरणों की सेवा में अस्वीकार करता है या उनके लक्ष्यों और समस्याओं को पैदा करता है, तो इसको क्या कहेंगे? प्रोग्रामर कहेंगे दोस्तों, सी कहेंगे। इसके अलावा 48th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसका भी उत्तर सी है। ये 48th क्वेश्चन जो है, पहला साइबर लॉ जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, तो वो था सूचना प्रौद्योगिकी के अधिनियम 1998। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 49th क्वेश्चन देखते हैं। 49th जो क्वेश्चन है, 49th क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध है? तो इसका है अथॉरिटी थेफ्ट। तो आगे बढ़ते हैं, 50वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ईमेल का पता mark.stoolt-info का डोमेन का नाम है? तो दोस्तों ये 50वें का जो उत्तर हो जाता है वो आपका ए हो जाता है, मार्क स्टोल। तो आगे देखते हैं, हिमाचल के किस भाग में करेवा भू आकृति का निर्माण होता है या पाई जाती है? तो दोस्तों 51 का आंसर हो जाता है ए। तो देख लूँगा आप, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो कितने ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो देखिए सूची फर्स्ट और सूची टू का सही मिलान करना है, तो 52वें का जो उत्तर हो जाता है वो बी हो जाता है दोस्तों, यानी कि बी 1432, यानी कि देखिए 1432। तो आगे बढ़ दोस्तों, बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है 53rd। तो 53rd प्रश्न का उत्तर देखिए दोस्तों, इसका उत्तर है ए, यानी कि ये कहाँ है? कर्नाटक में है। 54वें पे आते हैं दोस्तों, 54वां जो प्रश्न है उसका उत्तर आ जाता है सी। निम्नलिखित में से जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारतवर्ष अधिक गिरावट आई थी? तो ये 1951 से लेके 1991 के बीच में आई थी। अब आ जाते हैं 55वें क्वेश्चन के ऊपर। तो 55वें क्वेश्चन में देखिए, 55th जो क्वेश्चन है उसका उत्तर हो जाता है ए, सिल्वर एवं पोरबंदर को, यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों को नाभिक को जोड़ता है? तो यह है सिल्वर और पोरबंदर को, सिलचर और पोरबंदर को। तो आगे देखते हैं, 56वां प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है देखिए। तो 56वें का आंसर है कुट वाल्डहिम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? कुट वाल्डहिम। नाम थोड़ा सा अटपटा जरूर है, मगर दोस्तों देखिए MPPSC और स्टेट PSC का यही ये है कि आप एक तरीके से देख सकते हैं कि ये सभी जो प्रश्न हैं वो कहीं ना कहीं वो करंट अफेयर से जो है वो पूछ रही हैं। तो 58वें में देखते हैं, इसका आंसर राजा राव है। इसका जो 57वां का जो आंसर है वो A.S. बेंद्रे है। 57वें में प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन से चित्रकार 1922 में मध्य प्रदेश के जन्मा किंतु 1950 के बाद फ्रांस में रहकर कार्य किया तथा 2016 में नई दिल्ली में उनका देहांतवास हुआ? तो 57वां प्रश्न आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। 58वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 58वें का उत्तर हो जाता है सी, जो कि है मुंबई। 59वें क्वेश्चन पे आते हैं। फुटबॉल विश्व
उनसठवें प्रश्न पे हम बात कर रहे थे। तो उनसठवां प्रश्न क्या है दोस्तों, फुटबॉल विश्व कप 2018 फाइनल मैच में क्रोएशिया संयुक्त राष्ट्र प्रमुख टीम हौसला अफजाई के लिए स्टेडियम में मौजूद रही, उनका नाम क्या था? उनसठवें का उत्तर हो जाता है दोस्तों ए, कलिंदा गर्बर कितारोविच। नाम अटपटा जरूर है दोस्तों, मगर ये भी एक तरीके से MPPSC और स्टेट PSC के लिए इम्पोर्टेंट नाम हो जाते हैं। 60वें प्रश्न पे आ जाते हैं हम, इसमें जो है 70 प्रश्न डिस्कस करेंगे, 30 प्रश्न हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। तो उच्चतम न्यायालय किस मामले में निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 12 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया? तो ये 60वां जो प्रश्न है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाता है सी, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ जो केस था। 61वां क्वेश्चन आ जाता है कि मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन के पश्चात कितनी बार पंचायत में आम चुनाव हो चुके हैं? तो दोस्तों देखिए, जो 61वां प्रश्न है उसका आंसर हो जाता है 6 बार। तो आगे बढ़ते हैं, 62 क्वेश्चन पे आते हैं हम। 62 जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसका उत्तर हो जाता है डी, यानी कि 243N, राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करती है? तो 243N के तहत। 63rd क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। 63rd का उत्तर हो जाता है बी, राज्य सूची, पंचायती राज विषय संविधान के किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये आता है राज्य सूची के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 64th क्वेश्चन पे आते हैं। 64th जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें आ जाता है कि संविधान में कौन कौन से भाग में पंचायती राज सर्वाधिक प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो दोस्तों 64th का जो उत्तर हो जाता है आपका, 64th का उत्तर हो जाता है भाग 6 में। 65 पे हम आते हैं, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक नहीं है? तो दोस्तों 65वें का उत्तर हो जाता है ए, यानी कि भोपाल। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 66th क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। 66th क्वेश्चन ये है कि कब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 धारा 12 के अंतर्गत उपधारणा करेगा कि अपराध अप्रस्तुतता का अधिकार कर कारित किया गया है? तो 66 का जो उत्तर हो जाता है डी हो जाता है। तो दोस्तों 66 प्रश्न हम डिस्कस कर चुके हैं। 67 का जो है दोस्तों, हमें भी डाउट है, तो अगर किसी छात्र का अगर 67th प्रश्न का उत्तर आ रहा है तो कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो 68th का पे आ जाते हैं। 68th का उत्तर है बी, 30 जनवरी, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का प्रवत हुआ, तो ये था 30 जनवरी 1990 को। 69th पे आ जाते हैं दोस्तों। 69th पे देखते हैं कि डी, 69th का उत्तर हो जाता है डी, निम्नलिखित में कौन कौन सा कथन असत्य है? तो आश्रित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 2 ख ख में परिभाषित है। तो दोस्तों ये गलत हो जाता है पूरी तरीके से। तो 69th का डी जो है पूरी तरीके से गलत है। आ जाते हैं 70वें प्रश्न के ऊपर। तो 70वां प्रश्न आपका ये है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किसी निर्णय दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होती है? तो ये किसके आधार पर होती है दोस्तों? 70वें का उत्तर हम देखते हैं, 70 का उत्तर हो जाता है बी, केवल विधि के संबंध में जो होती है अपील हो सकती है। अब दोस्तों 71 से लेके जो आगे के प्रश्न हैं वो हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको जो है कंडेंस फॉर्म में पूरी जानकारी मिलते रहे। मगर दोस्तों अगर आपको हमारे जो विभिन्न इनिशिएटिव हैं, जैसे कि मेंस आंसर राइटिंग, आप लोग जो कि क्वालिफाई कर ही रहे हैं ये MPPSC UPSC, तो मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव की आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। मार्केट में बहुत पेड कोर्सेज चल रहे हैं, हम बिल्कुल निःशुल्क ये इनिशिएटिव चला रहे हैं। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर मैसेज कर दीजिए, और कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो कोर्स हम समीक्षा सीरीज़ और बहुत सी सीरीज़ के माध्यम से आपका UPSC प्रीलिम्स 2020 टारगेट कर रहे हैं, तो जुड़ जाइए आप IAS के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों, फाइनल वीडियो अकेले आप इंतज़ार कीजिए।